हाय फ्रेंड, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, आज हम आपके लिए गुलाब के बारे में बताएंगे। आप अपने गुलाब पर ज़्यादा फूल कैसे लाएं और आपके गुलाब पर फूल नहीं आते तो क्या काम करें, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करें। अगर आपने स्किप कर दी तो आपको यह मालूम नहीं होगा कि हमारे गुलाब पर फूल कैसे ज़्यादा आएँ। तो फ्रेंड, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरी देखें और एक प्यारा सा कमेंट करें और एक शेयर करें, जिससे जिन बहन भाइयों के गुलाब पर फूल नहीं आते वो यह काम करेंगे तो उनके गुलाब पर फूल खूब सारे आएंगे। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप अपने गुलाब पर थोड़े थोड़े कट मार दें, जहाँ से हमारा गुलाब ख़राब हो रहा हो या फूल आने के बाद गिर नहीं रहा हो तो उसे कट कर दें, और जो पत्ती हमारी कटिंग लाग है उस पत्ती को छुटा दें। सबसे पहले इसमें आप डाई, वर्मिंग कम्पोस्ट, नीम की खली और सरसों की घोल का मिक्सर करके जो आधी है खल उसको डाल दें, और आपके गुलाब पर इतना फूल आएगा कि आपका गुलाब फूलों से भर जाएगा। और फ्रेंड, आपको ध्यान रहे, जब भी इसकी कटिंग लगाएं तो 6 या 8 इंच से ज़्यादा नहीं लगाएं, क्योंकि 6 और 8 इंच से ज़्यादा लगाते हैं तो हमारी कटिंग की मरने की संभावना ज़्यादा होती है, फिर हमारा गुलाब मर जाता है। और फ्रेंड, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं, इस मौसम में गुलाब की नई शाखा निकल रही है, जो कि सर्दी के मौसम जैसा माहौल होता है उसमें हमने वर्मी कम्पोस्ट, नीम की कली, सरसों की खल का घोल मिलाकर डाल रखा है। हमारे गुलाब पर इतने गुलाब आते हैं कि आप देख नहीं सकते, मैं आपको दिखा सकता हूँ लाइव स्ट्रीम। देखो फ्रेंड, यह लाइव स्ट्रीम गुलाब है, इंग्लिश गुलाब को भी फेल कर दिया था सर्दी के मौसम में। और कली की बात करें, देखो एक कली पर 4-4, 5-5, 6-6 फूल आते हैं, जहाँ से पत्ता निकलता है वहीं से हमारा गुलाब का फूल खिलता है। फ्रेंड, आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और जो भाई नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी प्रकार मैं वीडियो नई लेटेस्ट पेड़ों के बारे में लाता रहता हूँ। आपको बेनिफिट यह होगा कि अगर आपके पौधे पर किसी कीड़ा या फंगस या फूल नहीं लग रहा, या किस प्रकार किस पौधे को कब लगाएं, मैं उस टीप ताज़ा खबर आपको देता रहूँगा। तो फ्रेंड, देखो गुलाब को आप यहाँ से कट करते हैं तो यानी फूल खिलने के बाद तो आपका गुलाब फूलों से बढ़ जाएगा, और इसी प्रकार नए नए पत्ते आएंगे। जितने आपके गुलाब पर नए पत्ते आएंगे उतना ही फ्लावर्स आने का चांस रहता है। अगर आपके गुलाब पर पत्ते नहीं आते तो उसी प्रकार पत्ते का फूल नहीं बनता, क्योंकि जितनी भी नई शाखा निकलती है उसी प्रकार फूल आता रहता है। फ्रेंड, आप भी अपने गुलाब पर नीम की खली, वर्मिंग कम्पोस्ट, गोबरी खाद और पोटास और डाई डाल देंगे तो हमेशा आपका गुलाब फूलों से भरा रहेगा। फ्रेंड, आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी। मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में इसी प्रकार आपको नए टॉपिक के साथ